हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल थैंक यू। सो बेसिकली आज हम फर्स्ट टाइम एक जावा से हट के एक बाइक रिव्यू करने वाले हैं। सो टुडे इज अ वॉक अराउंड वीडियो एंड मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन से बोर नहीं करूँगा। आई विल शेयरिंग माय कस्टमर एक्सपीरियंस विथ यू कि कैसा है द न्यू यामा FZ-X विच इज़ बेस्ड ऑन XR आया नहीं, उसके जगह में FZ का एक अपडेटेड मॉडल आया हुआ है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी कि ये नया बाइक कैसा है। ओके गाइस, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक न्यू रेट्रो लुक में बाइक है। तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे जावा होता है, दैट्स ऑल्सो अ रेट्रो लुकिंग बाइक, बट दिस इज़ अ न्यू रेट्रो लुक। लाइक इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स भी है, प्लस जो आपको है एक रेट्रो डिज़ाइन देखने को मिलता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज़ दैट हेडलाइट। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्टर ही रखा है एंड ऑल्सो जो सर्कुलर पोर्शन है उसमें LED डे टाइम रनिंग लाइट्स है एंड एक बहुत ही एग्रेसिव लुक आता है फ्रंट से। एंड स्पेशली आई लव दिस कंसोल जो आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। लाइक फ्रंट से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा LCD स्क्रीन दिया रखा है। टॉकिंग अबाउट द राइडर पर्सपेक्टिव, जब आप बैठते हो या इस पोर्शन को जब देखते हो, टैंक काफ़ी बड़ा लगता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज में देखा था, उसमें इतना जो इसका जो विड्थ है वो पता नहीं चलता, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस इन रियलिटी तो काफ़ी एक ब्रॉड दे रखा है। एंड इसमें एक्चुअली 3 कलर्स आते हैं, तो दिस इज द मोटोक्रॉस ब्लू एंड इसके अलावा 2 और ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक ऑरेंज एंड ब्लैक, बोथ आर इन मैट फिनिश बट द ब्लू कलर इज इन ग्लॉसी फिनिश। गाइस द नेक्स्ट थिंग वी सी, जो फ्रंट साइड से देखते हैं तो सबसे पहले तो इसमें जो सस्पेंशन दे रखा है, इसमें ये गेटर्स दे रखा है विच गिव्स इट अ हैवी फील, लाइक एक बिग बाइक फीलिंग देता है। एंड साइड से आप देखेंगे तो ये कलर बहुत स्ट्राइकिंग है बिकॉज ऑफ द ब्लू एंड नियॉन टच जो दे रखा है। आई मीन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर नाउ। एंड इंजन भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पैक्ड है एंड जो फिनिशिंग है, वायर्स एंड ऑल एवरीथिंग इज़ वेल कंटेन्ड। सो नाउ कमिंग बैक टू द बाइक्स ओवरऑल डिज़ाइन, तो इस बाइक में काफ़ी मेटल यूज़ किया गया है। फॉर इंस्टेंस जो ये फ्रंट एंड है, दिस इज़ मेटल एंड ये अगेन इसका जो प्रोटेक्टर, ये भी मेटल का है। देन जो साइड पैनल है ये भी मेटल का है एंड नीचे जो आपको बैश प्लेट दिखता है, जो भी पत्थर या और ग्राउंड से बचा है, दिस ऑल्सो इज मेटल। सो बेसिकली फ्रंट एंड जो भी आप देख रहे हैं, एवरी थिंग इज मेड ऑफ मेटल। कमिंग बैक टू द साइड, ये फाइबर का है, दिस इज नॉट ऑफ मेटल। एंड इसके बाद जो आप टैंक देख रहे हैं, दिस इज 10 लीटर टैंक एंड इसके ऊपर एक अच्छा प्रोटेक्टिव पैनल दे रखा है जिस अगेन इज ऑफ फाइबर। कमिंग बैक टू द रियर साइड, एंड रियर साइड में जो सबसे मेजर एलिमेंट जो आप देख सकते हैं, देयर इज सीट, इट्स अ टैन लेदर सीट एंड वो भी काफी अच्छा दिखता है। एंड जो पीछे आपका जो LED है, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर LED। जो इंडिकेटर्स है वो बल्ब है, दैट्स नॉट एन LED सेटअप। फ्रंट में भी सेम, इट्स अ बल्ब एंड नॉट एन LED सेटअप। सो गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम राइडर्स पर्सपेक्टिव एंड आप देख सकते हैं कि जो मैंने टैंक बताया था काफी बड़ा लगता है। एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड तो आप देख सकते हैं फुल LCD डिस्प्ले। गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं है इसमें, RPM मीटर है एंड फ्यूल गेज है एंड ओडोमीटर है एंड स्विच क्वालिटीज आर ऑल्सो गुड। काफ़ी एक हेफ्टी फील आता है, ऑन इज फाइन। अभी तो क्लोज रूम में तो इतना पता नहीं चल रहा, जब हम बाहर जाएंगे तो ऑन के बारे में बताऊंगा। एंड मिरर्स आर ऑल्सो वेरी फंक्शनल, पीछे की चीज़ें काफ़ी हद तक दिख रही है। तो गाइस, दिस बाइक इज कॉस्टिंग 1,47,000 इन नोएडा, ये ऑन रोड प्राइस है। एंड इस पे 3 कलर्स है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लैक। दिस इज द ग्लॉसी फिनिश एंड ब्लैक एंड ऑरेंज जो है वो मैट फिनिश में आता है। सो एज 10 थिंग्स आई लाइक अबाउट FZ-X इज फर्स्ट, इसका न्यू रेट्रो डिज़ाइन एंड सेकेंडली इसका कलर्स बहुत ही मॉडर्न है, थर्डली द जेनरस यूज ऑफ मेटल एंड फोर्थ इज द हेड लैम्प, फिफ्थ इज इसका जो टैंक का शेप है, ट्रेड ऑफ डिज़ाइन एंड सेवेंथ इज दिस की नॉब विच इज फ्लश विद द टैंक एंड एट्थ इज दिस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नाइन्थ is the super soft comfortable seat and 10th is Yamaha's reliability of engine and build quality. So one good thing is isme 12 volt charging socket de rakha hai full size, jo ki aap jisme aap apna USB port in sara laga sakte hain, koi outside mein kaam karane ki zarurat nahi padegi. Kaafi log phone charging ke liye ya apna action cam charging ke liye lagate hain, but with this I don't think aapko bahar se kaam karane ki zarurat padegi, to electrical issues kuch nahi hoga bhai. Few things don't like about FZ-X is the back end, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हल्का फुल्का लगता है इसका बैक एंड, प्लस जो इसका रियर एंड है इसमें आपको मिट्टी लगने के काफ़ी चांसेस है।
रेनी सीजन में, तो वो एक प्रॉब्लम है इसमें. एंड व्हेन इट कम्स टू टायर, इट्स 100 सेक्शन टायर इन द फ्रंट एंड 140 सेक्शन टायर इन द रियर. अनदर थिंग गाइस, जो पेट्रोल का फ्यूल टैंक है वो हाथ में आता है. अगेन ये थोड़ा सा गलत चीज़ है. अगर ये फिक्स्ड होता इन द हिंज फॉर्मेट देन इट विल बी नाइस. बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ स्टार्ट है. दैट इज व्हाट यामाहा इज नोन फॉर. सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके बताना कोई भी क्वेश्चन हो. एंड इसके बाद मैं इमीडिएटली इसका राइड रिव्यू भी डालने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल.